हेलो गाइस, माय सेल्फ राजेश्वरी निले, आई एम फ्रॉम भाग्य विद्या अकेडमी। फ्रेंड्स, टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट एंड टुडे इज माय टॉपिक इज फॉर द 7th क्लास सीबीएसई। ओके, दिस लेसन इज फ्रॉम द सप्लीमेंट्री बुक लेसन नंबर 5। ये जो लेसन यहां पर मैं आज पढ़ाने वाली हूं, ये लेसन सप्लीमेंट्री बुक में का 5 नंबर का लेसन है एंड लेसन का नाम है टुडेज टॉपिक नेम इज गोलू ग्रोज ऑन नोज। गोलू का जो नाक है वो नाक बढ़ गया था, ये लेसन का नाम यहाँ पर है। तो चलो देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या है इस लेसन में। ये सप्लीमेंट्री बुक का लेसन नंबर 5 है। स्टूडेंट पहले तो थम्स अप दीजिएगा ताकि मुझे समझ सके कौन यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर एवरीवन? एंड ओपन योर टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री बुक सभी ने निकाल के रखना है एंड सी ऑन पेज नंबर 30 पेज नंबर पर सभी ने ध्यान दो। एवरीवन पुट योर फिंगर ऑन द लाइन और पेंसिल ऑन द लाइन। जो भी डिक्टेशन वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उसको वहां से क्या करना है, लिख लेना है वहां के वहां पर और उसका मीनिंग मैं बताते जा रही हूँ। क्लियर एवरीवन? ध्यान में आ गए सभी का? चलो स्टार्ट करो अभी लेसन। गुड, चलो देखते हैं क्या है इस लेसन में। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। ये जो स्टोरी है ये स्टोरी बहुत पुरानी है कि जब एलिफेंट को क्या नहीं थे, नोज नहीं थे। गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्गी नोज इज अ फुल ऑफ क्वेश्चन। गोलू नाम का एक बेबी एलिफेंट था, छोटा बच्चा था, उसका नाक बहुत ही बल्गी था। बल्गी मतलब ऐसा यहाँ पर बड़ा था बहुत ही, और उसमें फुल ऑफ क्वेश्चन थे उसके माइंड में, उसके नाक में भी। ओके, ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल ईटिंग हैबिट्स। उसके माइंड में एक क्वेश्चन था, क्रोकोडाइल क्या खाता है, और वो क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए वो गया था बच्चों लिम्पोपो रिवर के पास, और वहां पर वो एक बड़ा क्या था, मगर था, और उसको उसने क्वेश्चन पूछा और उसके कारण क्या हुआ। तो चलो देखते हैं लाइन बाय लाइन इस लेसन में। लेसन का नाम है गोलू ग्रोज ऑन नोज। ओके, क्लियर एवरीवन? मस्त लेसन है, ध्यान दीजिएगा। एवरीवन पुट योर फिंगर ऑन द लाइन। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड अ नो ड्रम। बहुत पुराने जमाने में ऐसा हुआ था कि एलिफेंट को क्या नहीं था बच्चों, नाक नहीं था, मींस अ ट्रंक, उसकी जो सोंड होती है वो नहीं थी। ही हैड अ बल्गी नोज एज बिग एज अ बुट। उसको एक बहुत बड़ा बल्गी नोज था। देखो यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है वो गोलू का नाक कैसा है, बहुत बड़ा एज अ बुट। ओके, ही वुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड। वो उसको बस साइड टू साइड क्या करता था, घुमाता था। बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट। बट उससे वो कुछ भी थिंग्स उठा नहीं पाता था। जैसा अभी के एलिफेंट है, थिंग उठा पाते हैं कि नहीं वो विद द हेल्प ऑफ देयर ट्रंक, बराबर है ना। बट उस समय गोलू का ये बल्गी नाक, बल्गी नोज जो था, उसके कारण वो क्या नहीं उठा पा रहा था, कुछ भी थिंग्स उठा नहीं पा रहा था। अभी हुआ क्या, देखो एक दिन देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। एक गोलू नाम का छोटा एलिफेंट था। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज। इसको भी एक छोटा मतलब सोंड नहीं थी, मतलब ट्रंक नहीं थी, नोज नहीं था, तो एक बल्गी नोज था एज अ स्मॉल एज अ बूट, और ये बूट जैसा था। ओके, छोटा होने के कारण इसका जो नोज था वो भी छोटा ही था, बड़े एलिफेंट का नोज बहुत बड़ा रहता था। गोलू वाज अ फुल ऑफ क्वेश्चंस, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच। एक दिन क्या हुआ, गोलू की वहां पर एक आंटी रहती थी, आंट बोलते अपन ऑस्ट्रिच। ओके, शतुरमुर्ग, उसके पास वो गया और उसको पूछा व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड। जैसे बाकी बर्ड्स फ्लाई करते हैं वैसे आप क्यों नहीं फ्लाई करते हैं आंटी। डैनी आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ। फिर उसके पास बाद हो गया जिराफ के पास, वो उसके टॉल अंकल थे। उनको पूछा व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। आपकी जो स्पॉट वाली जो स्किन है, बोले उसका राज क्या है, ये कैसे क्या बनी। जिराफ की स्किन कैसी रहती है, उसमें स्पॉट स्पॉट होते हैं, लाइनिंग लाइनिंग, स्क्वायर स्क्वायर दिखाई दे रहा है पिक्चर में, तो ये ऐसी कैसी क्या है, बोले। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस। फिर गया हिप्पोपोटामस के पास, उनको पूछा, क्या पूछा, व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड, आपके आंखें हमेशा रेड क्यों रहते हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून। फिर गया हेयरी अंकल के पास, बबून के पास गया। ओके,
तो उनको पूछा, क्या पूछा, व्हाई डू मेलन टेस्ट लाइक अ मेलन, मेलन मतलब खरबूज, बराबर है, खरबूज की टेस्ट खरबूज जैसी क्यों रहती है? द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर टू द गोलूज क्वेश्चन। गोलू ऐसे क्वेश्चन पूछता था कि इनके पास, किसी के भी पास कुछ भी आंसर नहीं था। किनके पास? ऑस्ट्रिच के पास, जिराफ के पास, हिप्पोपोटामस के पास एंड बबून के पास। So, गोलू इज अ वेरी नॉटी बेबी, दे सेड। वो बस इतना बोल गए वहां पर कि गोलू तू बहुत ही नॉटी है, मतलब बहुत ही शैतान है, बराबर है। ये आज सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन तू हर एक को पूछता है। एक दिन क्या हुआ देखो, समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ही मस्त लेसन है, इंटरेस्टिंग है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा और थम्स अप भी कीजिएगा। क्लियर एवरीवन? नाउ सी नेक्स्ट। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ बुश। एक दिन क्या हुआ, एक बुश था, बुश समझता है बच्चों आपको, मतलब झुड़ू को बोलते हैं अपन लोग, उसमें मैना बैठी थी, पैरट की मैना, ओके? तो उसको उसने पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। क्रोकोडाइल बोले, मैना दीदी, मैना दीदी, नैना नहीं, मैना, ओके? बोले मैना दीदी, क्रोकोडाइल क्या खाते है? क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, क्या खाते हैं? द मैना से गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। मैना ने क्या आंसर दिया? बोले मुझे तो पता नहीं, बट जा, बोले एक बहुत बड़ी ग्रासी लिम्पोपो रिवर है, लिम्पोपो नाम की एक रिवर है और वहां पर बहुत ही हरियाली हरियाली थी, तो वहां पर जा उसके बैंक के ऊपर और वहां पर मगरमच्छ है, उसको पूछ क्या जा, क्योंकि सब सभी किसको डरते थे, मगरमच्छ को डरते थे, बराबर है। गोलू वेंट होम, ही टुक 100 शुगर कैंस, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन। गोलू घर गया, घर जाते जाते वो क्या लेके गया, बहुत सारे शुगर कैन लेके गया, मतलब उस, ओके? उसके बाद बनानास लेके गया 50 डजन और 25 वाटरमेलन भी लेके गया। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय। फिर उसके फैमिली को उसने बोला गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। मैं कहां पर जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी रिवर है, ग्रासी रिवर है लिम्पोपो, आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज फॉर डिनर। और मैं वहां पर जाके ये ढूंढकर आ रहा हूँ कि क्रोकोडाइल क्या खाता है डिनर में, ओके? ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, उसने क्रोकोडाइल अभी तक देखा भी नहीं था। And didn't know what one look like. और उसको पता भी नहीं था एक्चुअल में क्रोकोडाइल कैसा दिखता है। कितना नॉटी है, मतलब गोलू है कि नहीं? आपके जैसा ही है, आप भी ऐसे ही है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में रहते हैं, मी से ऐसा क्यों है, फिर पुराने लोगों ने ऐसा क्यों किया होगा, फिर हिस्ट्री में ऐसा क्यों है, इतने क्वेश्चन आप लोग पूछते है कि मिस लोगों के पास उसके आंसर कभी कभी नहीं रहते। क्लियर एवरीवन? तो ऐसा ही है, गोलू बहुत शैतान था, अभी वो सब उसके फ्रूट्स वगैरह घर रख दिए, उसने घर वाले मेंबर को भी बता दिया कि मैं लिम्पोपो रिवर पर जा रहा हूँ, वहां पर मैं क्रोकोडाइल है, मैं उसको पूछ के आता हूँ तू क्या खाता है, अभी इसको क्या लेना देना था, फिर भी वो वहां पर गया। एक्चुअल में देखा जाए तो उसने क्रोकोडाइल देखा भी नहीं था, अभी गया उसको पता भी नहीं था क्रोकोडाइल कैसा दिखता है, ओके? फिर वो वहां पर गया और वहां पर जाते समय उसको फोन मिला, देखो ही मेट अ पाइथन, पाइथन मतलब बहुत बड़ा अजगर, अजगर देखा है ना, बहुत ऐसा मोटा मोटा रहता है और बहुत लंबा भी रहता है, मतलब पूरा हॉल भर के भी रहता है कभी कभी, तो ये अजगर इसको दिखा, आज कड़े हिंद पिक्चर में दिख रहा है बच्चों आपको सभी को, देखो अजगर कैसा लपेटा हुआ है, मतलब उसको ब्रांच को उसने क्या कर लिया है, पूरा लपेट लिया है। Have you ever seen a crocodile? अजगर को इसने पूछा गोलू, बोले क्यों अजगर पाइथन, तूने क्रोकोडाइल को कभी देखा है? व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है, एंड व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और वो क्या खाता है तुझे पता है? द पाइथन अनकॉइल हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग। पाइथन ने क्या किया था, ब्रांच को कॉइल जैसा कर लिया था उसने, फिर उसको थोड़ा रिलीव किया, मतलब निकाला ब्रांच से, वो बाहर निकल गया और गोलू को बोला, गोलू को कुछ भी नहीं बोला, गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। गोलू ने उसको थोड़ा सा हेल्प की, जो उसने कॉइल किया था ब्रांच को उसको निकालने को, गोलू ने थोड़ा हेल्प किया और उसको भी वो गुड बाय करके वहां से चला गया। ध्यान में आया बच्चों, यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट था, समझ में आया सभी को? यदि समझ में आया होगा तो प्लीज गिव थम्स अप,
थम सब दीजिएगा। नाउ सेकंड पार्ट में क्या है चलो देखते हैं लाइन बाय लाइन। तो वहां पर थ्री पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, गोलू मेट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। गोलू यहाँ पर फेस टू फेस क्रोकोडाइल को मिलता है। ही गेट्स द पाइथन हेल्प व्हेन ही नीड इट मोस्ट, जब जरूरत बहुत ही जरूरत रहती है तो उसको पाइथन मदद करता है। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, और उसके बाद में गोलू की नोज बहुत बड़ी हो जाती है और उसके लिए गोलू के लिए वो बहुत ही यूजफुल रहती है। तो कैसी रहती है क्या रहती है देखते हैं लाइन बाय लाइन। अभी आगे देखो क्या हुआ बच्चों, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है प्लीज अंडरलाइन इट, अंडरलाइन करो वहां पर उसका मीनिंग लिखते जाओ। क्लियर एवरीवन? चलो, गोलू मूव ऑन ईटिंग अ शुगर कैन बनानास एंड मेलन। गोलू ने अभी खाया वहां पर मस्त, शुगर कैन भी खाया, बनानास भी खाए, वाटर मेलन भी खाया। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच अ वेरी एजेस ऑफ अ ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां पर जिसको उसको वहां पर जाना था उस प्लेस पर वो गया, लिम्पोपो रिवर के बैंक पर। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड, वहां पर रिवर के बैंक पर मतलब किनारे पर उसको एक बहुत बड़ा क्या दिखाई दिया, लॉग ऑफ वुड मतलब लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा दिखाई दिया। इट वॉज रियली क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, ऐसा लग रहा था कि ये क्रोकोडाइल है। एक्सक्यूज मी, उसने उसको पूछा, लकड़ी का टुकड़ा नहीं था वो, वैसा दिख रहा था। अभी क्रोकोडाइल कैसा दिखता है अपने को पता है, सभी को, सभी ने देखा है, देखा है कि नहीं। फिर उसने उसको पूछा, एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। अभी ये गोलू क्रोकोडाइल को ही पूछ रहा है कि तूने क्रोकोडाइल को देखा क्या कभी, अभी उसने देखा नहीं था इसलिए उसने ऐसा पूछा। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। अभी क्रोकोडाइल को बहुत ही गुस्सा आया, उसने क्या किया, उसकी जो पूंछ थी वो पानी में से आधी ऊपर निकाली एंड मड में मतलब वहां पर सब मड ही मड था। कम हियर लिटल वन सेड द क्रोकोडाइल, इधर आजा बोले छोटे बच्चे मेरे पास आजा। व्हाई डू यू आस्क सच अ क्वेश्चन, तू ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। आई वॉन्ट टू नो, क्योंकि मुझे ये पता करने है। कम क्लोज लिटल वन फॉर आई एम अ क्रोकोडाइल, चल बोले बच्चों मेरे पास आ जा, मैं कौन हूँ, क्रोकोडाइल हूँ। एंड शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो मी इट वॉज क्वाइट ट्रू, और उसने क्या किया, क्रोकोडाइल ने मगरमच्छ के झूठे आंसू रहते हैं बराबर है ना, वो निकाल कर आंसू निकाल कर कहा कि ताकि उसको समझना चाहिए गोलू को कि रियली ये क्या है, क्रोकोडाइल है। क्लियर एवरीवन? गोलू वॉज अफ्रेड, अभी गोलू डरने लगा कि बाप रे ये ही क्या है, क्रोकोडाइल है। गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, बट वो वहां पर बैंक पर मतलब किनारे पर बैठ गया और उसने बोला, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, बोले तू ही एक ऐसा था कि मैं तुझे कब से क्या कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, मैंने तुझे आज तक देखा नहीं था। प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, बोले प्लीज बता मुझे तू खाने में क्या खाता है, तेरा खाना क्या है। जैसा मैं गोलू हूँ मतलब बेबी एलिफेंट हूँ बराबर है, मैं क्या खाता हूँ, बनाना खाता हूँ, वाटरमेलन खाता हूँ, शुगर कैन खाता हूँ, वो सब तू क्या खाता है, क्रोकोडाइल को उसने पूछा। ओके, कम हियर लिटिल वन, इधर आजा बोले बच्चू, आई विल विस्पर एंड आंसर यू सेड द क्रोकोडाइल, बोले मैं क्या करूंगा, चल बोले इधर आ जा, मैं तेरे कान में क्या बताता हूँ, मैं क्या खाता हूँ ये मैं तुझे तेरे कान में बताता हूँ, चल आ जा जल्दी से। गोलू पुट अप हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। गोलू ने क्या किया, गोलू उसके पास में जाने लगा, क्रोकोडाइल के पास में, उसके हेड के पास वो गया और फिर क्रोकोडाइल ने क्या किया, उसको पकड़ लिया, उसके नोज को पकड़ लिया। किसके नोज को पकड़ लिया, गोलू के नोज को पकड़ लिया। I think, said the crocodile, today a baby elephant will be my dinner. देखो, उसने क्या बोला? बोले मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ बच्चों, इधर आजा मेरे पास, तो ऐसा पकड़ लिया उसको और बोला कि आज तो मेरा खाना क्या है, ये छोटा गोलू है, मैं आज इस बेबी एलिफेंट को क्या कर डालूंगा, खा डालूंगा। और उसका जो बल्गी नोज था ना, वो बल्गी नोज ऐसा मगरमच्छ ने क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, और पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, देख रहे हैं ना सभी, सी ऑन पेज नंबर 32 और पिक्चर दिया है 33 पर, उधर भी देखना है। क्लियर एवरीवन? अभी देखो, लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी,
मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम द बोलू स्क्रीम अभी ये बोलू अभी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे दर्द हो रहा है मिस्टर क्रोकोडाइल मुझे छोड़ दो, मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ, और रोने लग गया, नाटक करने लगा। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग बोलू कम टू द बैंक एंड सेड, अभी पाइथन को मतलब अजगर को ये सुनाई दिया कि बोलू की आवाज आ रही, स्क्रीम करना मतलब जोर से शोर करना, बराबर है ना। अभी एलिफेंट कैसे स्क्रीम करते हैं आपको पता है, तो जोर से उसने स्क्रीम किया तो पाइथन को सुनाई दिया, फिर पाइथन उसकी हेल्प करने के लिए आया अजगर। इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, फिर पाइथन ने उसको कहा बोले यदि तू तेरा नोज जल्दी से पुल नहीं करेगा खींचेगा नहीं तो क्रोकोडाइल तुझे अंदर पानी में लेके जाएगा और वहां पर तुझे खा डालेगा। तो इसीलिए बोलू तो तुझे क्या कर पहले पुल कर मतलब यहाँ पर इस साइड से खींच जोर से खींच। बोलू सैट बैक ऑन इज अ लिटल हंचेस एंड पुल्ड अभी बोलू छोटा था बराबर है हाथी था बट छोटा था, हाथी की ताकत बहुत होती है बट ये छोटा बच्चा था, बट फिर भी वो बच्चे की पूरी ताकत लगा के वो क्या कर रहा था उसको खींच रहा था, उसके नाक को खींच रहा था। सपोज बच्चों इमेजिन करो आपके नाक को किसी ने ऐसा जोर से खींचा तो आपको कैसा हर्ट होगा, वैसे गोलू के नाक को अभी बल्दी नोज को क्रोकोडाइल क्या कर रहा है बच्चों जोर जोर से खींच रहा है। इधर से गोलू खुद अपना बचाव कर रहा है मतलब और वो क्या हो रही है स्ट्रेंज हो रही है उसकी नोज। क्लियर एवरीवन। द क्रोकोडाइल स्लिप इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद अ ग्रेट स्वीप टू हिज टेल एंड ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। क्रोकोडाइल क्या कर रहा था, क्रोकोडाइल वहां पर मड में था पानी में था तो वो स्लिप हो रहा था पीछे पीछे जा रहा था, उसी तरह से वो उसकी गोलू की जो नोज थी वो और भी जोर जोर से पुल कर रहा था खींच रहा था। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ अराउंड द गोलू स्टमक एंड सेड, फिर अजगर ने क्या किया पिक्चर में देखो अजगर ने वो गोलू के पीठ पर ऐसा पूरा कॉइल कर दिया मतलब उसको ऐसा पूरा लपेट लिया। And let's pull harder. और अभी बोले जोर से क्या कर जोर लगा और उसको खींच। गोलू dug in all his four leg in the mud and pulled. गोलू के पूरे चारों भी पैर उस चिकड़ में मड में क्या हो गए थे अंदर अंदर चले गए थे और वो खींच रहा था। नोज kept on scratching और उसका नोज जो था वो पूरा स्क्रेच हो रहा था मतलब ऐसा खींचा जा रहा था। At each pull, the nose grew longer and longer. It hurt the bull. और वो जो nose था, वो scratch होने के कारण बहुत ही बढ़ रहा था, लंबा हो रहा था. उसके कारण गोलू को nose में दर्द हो रहा था. The nose was now 5 feet long. अभी उसका वो बल्दी nose कितना हो गया बच्चों? 5 foot long हो गया. But it was free at last. और आखिरी में वो क्या हो गया फ्री हो गया मतलब छूट गया क्रोकोडाइल के मुंह से। गोलू सैट डाउन विद हिज नोज रैप्ड अप इन द बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। अभी उसको बहुत दर्द होने लगा अंगार होने लगी, फिर गोलू ने क्या किया अपने उस नोज को बनाना बिग बनाना का लीफ वहां पर था पत्ता वहां पर था उसको रैप कर दिया ताकि उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे वहां पर ठंडक आ जाएगी और ग्रासी लिम्पोपो रिवर के बैंक पर वो वहां पर बैठ गया आराम से। गोलू सैट देयर फॉर 2 days कितने दिन बैठा हुआ वहां पर 2 दिन वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। उसको ऐसा लग रहा था श्रिंक भी हो रही थी उसमें श्रिंक होना मतलब ऐसा थर 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 बराबर है ना। तो अभी मगरमच्छ कितने ताकत से वो क्या कर रहा था ऐसा खींच रहा था देख रहे आप पिक्चर में तो इसके कारण वो क्या हो रहा था श्रिंक वहां पर हो रही थी उसकी नोज और बहुत दर्द भी हो रहा था। अभी उसने 2 दिन वहां पर वेट किया कि मुझे मेरे नोज में थोड़ी ठंडक आनी चाहिए। ओके इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक। ओके अभी ठंडी तो हो गई थी बट अभी भी फिर भी थोड़ा थोड़ा श्रिंक उसमें हो रहा था। एट द एंड ऑफ द सेकंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। आखिरी में क्या हुआ सेकेंड डे के एंड में एक फ्लाई आई मधुमक्खी सिंपल वाली मक्खी आई और गोलू को क्या किया शोल्डर पर उसने डंक मार दिया। गोलू लिफ्ट हिज नोज लॉन्ग नोज एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। गोलू ने क्या किया फिर तभी उसकी जो लंबी नोज थी उसको ऐसा बाहर निकाला और जोर से उस फ्लाई को क्या कर दिया हिट कर दिया वहां पर फ्लाई क्या हो गई बच्चों मर गई। देखो नोज का पहला फायदा है कि नहीं।
एडवांटेज नंबर वन, ही इज द पाइथन. पाइथन ने बोला था कि ये तेरा सबसे पहला फायदा है, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज. ये स्मॉल नोज से होता था क्या, बल्कि नोज से होता था क्या, यदि किसी फ्लाई ने यहाँ पर स्टंग किया होगा, मतलब तुझे काटा होता, तो तू तेरी नोज से कुछ भी नहीं कर सकता था. अभी ये बहुत बड़ी लंबी तेरी नोज है, अभी तू क्या कर सकता है, सामने वाले को मार सकता है. ट्राई टू ईट अ लिटल नाउ, अभी थोड़ा खाना भी सीख जा इस नोज से. ओके, गोलू पुट ऑन इज अ ट्रंक एंड प्लग अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास. गोलू ने क्या किया, एक ट्रंक थी वहां पर, उसको पुट मतलब वहां पर रखी थी, उसने प्लग किया, उसको तोड़ा और बहुत बड़ा घास पटा ग्रास पटापट पटापट उसको क्या करने लग गया, खाने लग गया. He dusted it against his four legs and stuffed it into his mouth. Four legs से वो उसको क्या कर रहा था, मतलब उसके ऊपर रख कर, और ये ट्रंक के हेल्प से वो क्या कर रहा था, उसको खा रहा था. एडवांटेज नंबर टू, हिज द पाइथन. देख बोले, ये तेरा दूसरा फायदा हो गया. जो हाइट वाले एनिमल्स रहते हैं, जैसा ऊंट मतलब कैमल रहता है, वो ऊंचाई पर क्या कर सकता है, ग्रीन प्लांट्स को खा सकता है. क्लियर. अभी ये जो हाथी का बच्चा था, इसने भी क्या किया, उसके सोंड के हेल्प से, मतलब ट्रंक के हेल्प से, जो भी ऊपरी वाला ग्रीन भाग पार्ट था, वो क्या किया, उसने खा लिया. अभी बल्गी नोज से ये खा सकता था क्या, वैसा नहीं खा सकता. तो दिस इज एडवांटेज नंबर टू, ही इज द पाइथन. यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज. फिर पाइथन ने अजगर ने कहा कि बोले, ये तू यदि तेरा बल्गी नोज है, तो उससे तू ये कर नहीं सकता था. डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ. अभी सन क्या है, बोले बहुत ही, बोले सोच मत, सन इज टू हॉट नाउ. अभी सन बहुत ही क्या होगा, तेज होगा, मतलब हॉट होगा. गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड. उसने क्या किया, उसके वो ट्रंक से, वहां पर मड था बहुत, वो मड उसने ट्रंक में लिया और उसके हेड पर डाल दिया. मतलब वहां पर, यहाँ पर क्या मिल गया उसको, बहुत ही कूल मिल गया, मतलब ठंडक वहां पर आ गई. दिस इज एडवांटेज नंबर थ्री. ये कौन सा एडवांटेज हो गया, थ्री नंबर का. He is the python. You couldn't have done it with a small nose. ये ऐसा काम तू बल्गी नोज से कर सकता था क्या, छोटे नाक से कर सकता था क्या, नहीं. अभी ये नोज तेरा बढ़ गया, इसके कारण तू ये सब एक्टिविटीज अभी करने लगा. थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड द गोलू ग्रेटफुली. मिस्टर पाइथन को उसने थैंक यू बोला और बहुत खुशी से, आई विल रिमेम्बर ऑल दिस, मैं ये पूरा याद रखूंगा, एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली. अभी मुझे मेरे फैमिली में जाना पड़ेगा. और ऐसे बोलकर वो उसके फैमिली में चला गया. इसका राइटर है, इसके राइटर थे रुडयार्ड किपलिंग. क्या नाम है उनका राइटर का, रुडयार्ड किपलिंग. ऐसी छोटी छोटी स्टोरी, बहुत स्टोरी इन्होंने लिखी है, एनिमल्स की बहुत स्टोरी लिखी है, ताकि बच्चों को पढ़ाई करने में क्या आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है. क्लियर एवरीवन. देखो, कभी कभी अपन कुछ सोचते हैं तो उससे अपने को और भी कुछ अच्छा मिलता है. तो ऐसा ही अच्छा इस बेबी एलिफेंट को, मतलब गोलू को मिला था. उसकी नोज लंबी हो गई और नोज लंबी होने के कारण फिर उसको और भी बेनिफिट्स वहां पर होने लगे. क्लियर एवरीवन. बच्चों, समझ में आ गया लेसन आपको सभी को. इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो ऑल्सो. थैंक यू गाइज, बाय बाय.